हेलो फ्रेंड्स, इजी निटिंग में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस जैकेट की बैक पार्ट का, जो हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने आपको इसका डिजाइन, फंदे ये सेट करना बताया था और डिजाइन डालना बताया था। अब आज इस बैक पार्ट के मुड्ढे की गटाई कैसे होगी ये आपको बताएंगे कि इसकी गटाई कैसे की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी इस जैकेट को बनाना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके मुड्ढे की कटाई करना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको मुड्ढे की कटाई करना बताएंगे कि जैकेट में बैक पार्ट में मुड्ढे की कटाई कैसे की जाती है। तो हमारा ये डिजाइन 6 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। अब हमारी ये 5वीं सिलाई है जिसमें डिजाइन कवर हुआ है। छठी सिलाई को हम उल्टा बनाते हैं, तो इसमें हम अपनी यहाँ पे कटाई शुरू करेंगे। इसको उल्टा नहीं बनाएंगे, यहाँ से ही हम अपना फंदों का घटाने का पैटर्न शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम फंदों की घटाई करेंगे तो हम बैक साइड से करेंगे, दोनों तरफ से, बैक साइड से, सीधी तरफ से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये इस सिलाई को हम सीधा बनाते जाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर दोनों तरफ से सीधे सीधे आगे डिजाइन नहीं डालेंगे, आगे हम इसको प्लेन बनाएंगे। तो ये 7 फंदे हम ऐसे ये फंदे को उतारेंगे और ये 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और 7, 7 फंदे हमने सीधे बनाए। एक फंदा हम यहाँ पे फिर सीधा ही बनाएंगे, ऐसे ऐसे सीधा बनाएंगे बैक साइड से। और अब जो ये 2 फंदे हैं उल्टे उल्टे, इन दोनों का एक फंदा ऐसे सीधा बना देंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा गट जाएगा। यहाँ से हमारी मुड्ढे की गटाई शुरू हो गई। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लेंथ यहाँ से बॉर्डर से नीचे से लेके और यहाँ तक हमारी ये, हमने ये इसको 11 इंच बनाया है। 11 इंच बनाने के बाद हम इसके मुड्ढे की कटाई शुरू कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक फंदा घटाया और अब हम इस पूरी सिलाई को ऐसे सीधा बना के कवर करेंगे। लास्ट में जाके हम फिर इसके फंदे, मुड्ढे की कटाई का फंदा घटाएंगे। ऐसे इसको सीधा बनाते जाएंगे। यहाँ पे आके हम फिर फंदा घटाएंगे। दो चार छ सात, ये एक फंदा और बनाएंगे। अब जो ये फंदा है हमारा लास्ट का, इसको हम सीधा बनाएंगे। ये हमारा एक फंदा, इसके हम बॉर्डर से अलग है, ये हमारे 7 फंदे बॉर्डर पट्टी के हैं। यहाँ पे हमने फंदा घटाना है, सॉरी, ये 2 4 6 7, यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, ऐसे सीधा फंदा 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा, ये हमारे डिजाइन वाला फंदा सीधा, ये 7 फंदे हमारे बॉर्डर पट्टी के। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, अब आ गए हम सीधी तरफ। सीधी तरफ से हमने घटाई नहीं करनी है, हमने घटाई हमेशा उल्टी तरफ से करनी है। तो ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये 6 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, टोटल 7 हो जाएंगे। 4 5 6 और 7, अब जो ये एक फंदा 7 के 7 में है, जो यहाँ से हमने सीधा बनाया था 2 फंदे से पहले, इस फंदे को हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। 7 सीधे बना के 1 उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 का 1 है, इसको भी हम सीधा बनाएंगे और पूरी रो को हम ऐसे सीधा ही बनाते लास्ट में चले जाएंगे। ऐसे बनाते बनाते सीधा बनाते जाएंगे पूरी रो को। अब आगे लास्ट में ये फंदा हमारे 2 4 6 7, ये हमारा वो 2 का 1 है जो फंदा हमने घटाया था मुड्ढे की कटाई के लिए, इसको भी हम सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये बीच में एक फंदा यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे।
धागा पीछे करेंगे और सात फंदे फिर से सीधे, ये बॉर्डर पट्टी वाले दोनों तरफ से सीधे ही बनते जाएंगे। बॉर्डर पट्टी के फंदों को नहीं घटाना है हमने, हमने अंदर की तरफ जो फंदे हैं उनमें से फंदे घटाते जाना है। अब आ गए हम बैक साइड में। बैक साइड में फिर से देखिए फ्रेंड्स, पहले फंदे को उतारेंगे और छह फंदे फिर सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब जो हमारा ये सीधा फंदा एक हमने यहाँ से उल्टा बनाया था, पूरी रो को हमने सीधा बनाया, एक फंदा उल्टा था जो ये यहाँ से सीधा है, तो इसको यहाँ से नहीं बनाएंगे, इसके निचले होल में से बनाएंगे, यहाँ से इसको यहाँ से बनाएंगे, तो इससे हमारी अच्छी सी शेप आएगी ऐसे। अब फिर हम दो का एक करेंगे, तो इन दो फंदों को इकट्ठा करके सीधा बुन देंगे और फिर पूरी सिलाई को सीधा ही बुनते जाएंगे। जब तक हमारे फंदे घटेंगे तो हम बैक साइड से ही फंदे घटाएंगे, तो हमने दोनों तरफ से इसके 11 11 फंदे घटाने हैं, 11 11 फंदों की कटाई करेंगे इस मुड्ढे की तरफ से भी और इस साइड से भी, दोनों तरफ से हम 11 11 फंदे बैक साइड से घटाते जाएंगे। जब हमारे 11 11 फंदे घट के पूरे हो जाएं तो आगे हम इसको सीधा बना के पूरा करेंगे और इसके फंदों को बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको एक सिलाई में ऐसे ही रख लेंगे। फिर हमारे अगले आगे वाले पार्ट फ्रंट के बन जाएंगे, तब उनके साथ हम इसको ज्वाइंट करके ऐसे ही फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। इस पूरी रो को सीधा बना लेंगे, यहां आने के बाद फिर बताएंगे। ये लास्ट तक हमारे सभी पूरी सिलाई उल्टी बनी। अब आ गए हम दो चार छः सात, सात के साथ में ये फंदा सीधा, तो इन दो का एक करेंगे यहाँ से, का दो का एक। फिर जो ये सीधा फंदा है, यहाँ से हमने एक फंदा उल्टा रखा था, सात फंदे बॉर्डर के, इसके साथ में सीधा फंदा है जो, इसको यहाँ से नहीं बनाएंगे, इसको नीचे वाले होल से बनाएंगे, तो हमारी यहाँ पे ये सायद साथ एक फली सी बनती नजर आएगी। ये सात फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब हमारे दोनों तरफ से दो दो फंदे मुड्ढे की घटाई के घट चुके हैं। अब आ गए हम सीधी तरफ। सीधी तरफ से हम फंदे नहीं घटाएंगे, हमने फंदों को बैक साइड से ही घटाना है। तो अब फिर ये एक फंदा सीधा और ये छह फंदे, एक फंदा उतारेंगे और छह फंदे ऐसे सीधे बुन लेंगे, तो हमारे तीन तीन छः और सात। फिर ये एक फंदा जो यहाँ से हमारा सीधा बनता आएगा, यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनेगा। फिर धागा पीछे करेंगे और पूरी रो को सीधा बना के पूरा करेंगे। लास्ट में फिर लास्ट वाला फंदा हमारा फिर से उल्टा बन जाएगा और फिर सात फंदे सीधे बन जाएंगे बॉर्डर पट्टी के, ऐसे बना के इसको पूरा करेंगे। अब फिर हमारा ये लास्ट का फंदा, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। पूरी रो को बीच में हम सीधा बुनते आए हैं, लास्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये हमारा बैक साइड से सीधा फंदा है, धागा पीछे करेंगे और फिर से सात फंदों को सीधा बना देंगे। सीधी तरफ से है ये हमारी, सीधी तरफ से हमने घटाई नहीं करनी है, हम घटाई को बैक साइड से ही करेंगे। अब आ गए हम बैक साइड में। बैक साइड में फिर से इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और छह फंदे सीधे बुन लेंगे, दो तीन चार पाँच छः। अब जो हमारा ये सीधा फंदा है, इस फंदे को नीचे से यहाँ से ऊपर से यहाँ से नहीं बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं, इसको नीचे से बनाएंगे, निचले होल में से ऐसे। ये हमारी एक चैन सी बनती नजर आएगी साथ में बॉर्डर पट्टी के। और अब फिर दो का एक करेंगे, हर बार बैक साइड की सिलाई में ही फंदा घटाएंगे। अब पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा बनाते जाएंगे, लास्ट में फिर से दो का एक करेंगे और एक फंदा सीधा
इसको ऐसे पूरा बना लेंगे। अब हमारा ये बीच में सीधा फंदा है, ये दो फंदे इससे पहले इनका दो का एक करेंगे, यहाँ पे फंदा घटा देंगे। फिर ये जो सीधा फंदा है इसको ऊपर से नहीं बनाएंगे, इसके नीचे वाले होल से बनाएंगे ऐसे। फिर सात फंदे सीधे, ये हमारे अब दोनों तरफ से तीन तीन फंदे घट चुके हैं। हम इनको तब तक घटाते जाएंगे जब तक हमारी घटाई पूरी नहीं हो जाती। तो हमने इन फंदों को जैसे हमने अब आपको बताया है ऐसे ही घटाते जाइएगा। घटाई शुरू हो चुकी है, तीन तीन फंदे घट चुके हैं। फंदे हमेशा बैक साइड से घटाइएगा, 11-11 फंदे घटते जाएंगे तो हमारी ये 22 सिलाइयाँ बन जाएंगी जब तक हमारी घटाई होगी। फिर इसको ऊपर ऐसे ही बनाते जाना है, 11-11 फंदे घटाने के बाद घटाई नहीं करेंगे, ऊपर तक इसको पूरा करेंगे। अब मैं इसको आगे आपको पूरा करके दिखाती हूँ कि ये घटाई होने के बाद कैसे लगेगी। अब यहाँ से हम इस रो को सीधा बनाते जाएंगे, इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे। और इस मुड्ढे की जहाँ से यहाँ से हमने घटाई शुरू की है यहाँ से तब हमारा पूरा पार्ट बन जाए वहाँ तक हम इसकी 6.5 इंच की लंबाई रखेंगे मुड्ढे के ऊपर से, 11 हमारी नीचे की है। तो हमारी टोटल जैकेट की लंबाई हमारी 17.5 इंच बन जाएगी। तो अब हम आपको इसको पूरा करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये घटाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने ये यहाँ तक, यहाँ से इसकी घटाई शुरू की थी और यहाँ तक हमने दोनों तरफ से इसके 11-11 फंदे घटाए हैं। जैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारी घटाई हुई है 11 फंदों की। जैसे हम काउंट करते जाएंगे यहाँ से काउंट करेंगे, ये 11 लाइन है जहाँ तक, वहाँ तक हमारी घटाई हुई है। ऊपर हमने ऐसे ही सीधे बनाते गए हैं दोनों साइड से। ये हमने इसकी बैक पार्ट की घटाई कंप्लीट की और ये यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई मुड्ढे की ये 6.5 इंच की है। और नीचे से इसकी यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई है ये 11 इंच। तो टोटल इसकी ऊपर से लेके यहाँ से और यहाँ तक इसकी 17.5 इंच लंबाई है। मैंने जिसके लिए बनाया है, ये बच्चा नॉर्मल है, ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इसको, इसकी लंबाई को नाप के तब बनाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये पार्ट, बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस फंदों को बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे ही रखेंगे और अपने फ्रंट वाले दोनों पार्ट बना के और तब इन इन फंदों के हम फिर बाद में उनके साथ ज्वाइंट करके और बाइंड ऑफ करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में इसके फ्रंट के पार्ट बनाना सिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन और मेरी वीडियो पसंद आए और मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।